हाय फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जैन एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल बीएससी ट्यूटर्स पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माय सीक्वल की प्रैक्टिकल कमांड्स। हाँ जी, प्रैक्टिकल कमांड। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी इनके बेसिक्स के साथ, जैसे कि आपके अगर आपको अपना चेक करना है कि आपके सिस्टम के अंदर आपके जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर कितने डेटाबेसेस हैं और कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, तो आप उसको कैसे सर्च कर सकते हैं। नंबर टू, अगर आपको देखना है कि आप एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में चेंज करना चाहते हैं या फिर एंटर करना चाहते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेटाबेस, हाउ कैन यू डू दैट। एंड थर्ड पॉइंट कि उस पर्टिकुलर डेटाबेस में आपके पास कौन कौन सी टेबल्स हैं। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर ये तीनों चीजें आज कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने पहले कमांड के साथ। तो सबसे पहले आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप कैसे माई सीक्वल खोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं माई सीक्वल के कमांड लाइन वर्जन को यूज करने जा रही हूँ। तो देखिए, दिस इज योर कमांड लाइन वर्जन, MySQL 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ब्लैक इंटरफेस इन फ्रंट ऑफ यू, जिसके अंदर इट विल आस्क यू टू एंटर द पासवर्ड। पासवर्ड बेसिकली जब आप इसको सेटअप कर रहे होते हैं आप वहां पर उसको मेंशन करते हैं। तो जो भी मेरा पासवर्ड है, आई एम पुटिंग इट ओवर हियर, अदरवाइज जो भी आप सेट करें यू कैन डू दैट। तो मैं आप यहाँ पर एंटर करेंगे उसको, तो यू विल एंटर इन साइड योर MySQL। सी, जैसे अगर आपके पास ये प्रॉम्प्ट आने लगता है, इट मींस आपने डेटाबेस के अंदर एंट्री कर ली है। अगर आपका पासवर्ड इनकरेक्ट होगा तो आप कभी भी इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो बेटा प्लीज मेक श्योर कि आप जो यूज कर रहे हैं यूजर नेम और पासवर्ड, इट मस्ट बी करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी। बेसिकली क्योंकि हम कमांड लाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट है और प्रॉम्प्ट के आगे हम कमांड्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आज सर्च करना था कि हमारे पास अपने इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास कौन कौन से डेटाबेस है। देखिए, अभी तो फिलहाल में यहाँ ब्लैक स्क्रीन है, यहाँ पे आप अप डाउन भी नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ एरो की दबाने की कोशिश कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो वी कैन नॉट सर्च, हमें यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो व्हाट वी नीड टू डू, इट्स वेरी 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 सिंपल थिंग, यू सिंपली नीड टू यूज वन कमांड, शो डेटाबेसेस। एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, आप जब भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं तो वहां पर आपको सेमी कॉलन लगाना मस्ट होता है। देखिए, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नॉर्मल शो डेटाबेसेस। बेसिकली डेटाबेसेस जो होता है दैट इज कलेक्शन ऑफ टेबल्स, राइट। तो यहाँ पर आप देखने वाले हो कि ऐसे कौन कौन से डेटाबेसेस हैं जिनके अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स होंगी। तो मैं यहाँ पे सेमी कॉलन पुट कर रही हूँ, ठीक है, एंड आई एम प्रेसिंग एंटर। सी दोस्तों, हमारे पास इस टाइम पे जो मेरा करंट वर्जन है, यहाँ पर आपके पास टोटल 9 डेटाबेसेस। देखिए, आपको 9 डेटाबेसेस यहाँ से नजर आएंगे, 9 रोज इन सेट। इट मींस जो ये नेम दिए हुए हैं, अनुपमा, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माय सीक्वल और अदर्स, तो ये क्या है, ये सब आपके डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, ठीक है ना। नाउ अब आप बोलेंगे कि हमें तो डेटाबेसेस दिख रहे हैं, अब हमें टेबल से क्या जरूरत। भाई, अगर आप किसी भी टेबल में अगर कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली डेटाबेसेस के अंदर ऐसे तो नहीं लिख सकते, आपको उस टेबल के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो चलिए, आप सबसे पहले टेबल के अंदर जाने से पहले अपने आप को एक डेटाबेस के अंदर एंट्री कराते हैं, क्योंकि बिना डेटाबेस के अंदर एंट्री कराए आपको कुछ नजर नहीं आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो उसके लिए भी एक सिंपल कमांड है जो की होती है शो टेबल्स। मगर अभी इससे पहले, हम इस वाली कमांड को यूज करने से पहले हमें डेटाबेस यूज करना है, दिस वन। तो हम क्या करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं यूज, और यूज के बाद जो भी आपको डेटाबेस यूज करना है, लेट सपोज आई वांट टू यूज वर्ड डेटाबेस, तो आई जस्ट नीड टू राइट यूज वर्ड, सेमी कॉलन इज मस्ट, ठीक है। सी, जैसे ही मैंने किया, इट इज शोइंग मी डेटाबेस चेंज। इसका मतलब है कि आप उस डेटाबेस के अंदर एंटर कर चुके हैं। अगर आप किसी और डेटाबेस के अंदर जाना चाहे, लाइक अब आप जाना चाहते हो शकीला में, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिंपली यूज एंड द नेम ऑफ द डेटाबेस, दैट इज शकीला। सी, इट विल शो यू डेटाबेस चेंज। बेसिकली मैं अभी तक हमने दो कमांड्स करी हैं, एक है शो डेटाबेसेस जो कि बताता है कि आपके सिस्टम में कौन कौन से डेटाबेस बने हुए हैं आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, और यूज, और जो हमारा डेटाबेस का नाम है अगर हम मेंशन करते हैं विद सेमी कॉलन तो हम उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर एंट्री कर जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, अभी अभी मैंने आपको एक कमांड बताई थी शो टेबल्स। बेसिकली
That is the command which is used to show you the tables which are present in under that particular database in which you are. Means, अगर आप Shakila के अंदर हैं, Shakila database management system के अंदर, इसके अंदर कुछ अपनी tables होंगी. Word वाला आप database के अंदर है, तो उसके अंदर कुछ अपनी अलग unique tables होंगी. तो चलिए दोस्तों start करती हूँ पहले Shakila के साथ. अभी currently we are in Shakila. Now, देखिए हमें देखनी है table Shakila के अंदर. तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँ, I'm writing simply show then tables semicolon. See, right now 23 tables are present under this particular database, that is Shakila. अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे scroll up करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा tables in Shakila. तो ये जितनी भी tables हैं, these are present under your Shakila database. ठीक है ना दोस्तों. अब अगर आप देखें तो शुरुआत में actor है, फिर actor info है, फिर address है, आगे so on. ठीक है ना. अब अगर आप देखना चाहते हो कि आपके वर्ड वाले डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स थी, तो आप ऐसे सर्च नहीं कर सकते. सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले यू नीड टू चेंज द डेटाबेस. तो आई एम सिंपली राइटिंग यूज वर्ड. वर्ड इज द नेम ऑफ दैट डेटाबेस, राइट. आई एम पुटिंग सेमी कॉलन. नाउ डेटाबेस इज चेंज. नाउ नाउ आई वॉन्ट टू सी द टेबल्स अंडर दिस शीट. सी शो टेबल्स. सी how many tables are here? Here are three tables only because it is showing three rows. और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे नजर आ रहा है tables in word, that is city, country, country language. तो it depends कि आपके एक database के अंदर एक table है, ज्यादा table है या कुछ भी नहीं है. ठीक है ना. चलिए मैं आपको अपने एक database के अंदर दिखाती हूँ जो मेरा खुद का database है. तो मैं दिखाती हूँ आपको उसमें tables है या नहीं है. Use an upma. See database change. Now अब मैं लिख रही हूँ show tables. See, there are only two tables over here. So it depends कि एक particular database के अंदर एक table है नहीं है, या कितनी भी ज्यादा tables हो सकती हैं. तो basically अभी हमने तीन command पढ़ी हैं अभी आज की date के अंदर. एक use उसके बाद database का नाम, एक आपके पास show tables, और एक हमने पढ़ी show databases. तो I hope दोस्तों आपको ये वाला जो video है ये पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. और अगर बेल का नोटिफिकेशन अगर आप दबाते हैं तो आपके पास जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी, इट विल बी यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट ऑल्सो. तो दोस्तों अगले वीडियो के मैं आपके लिए और इसका एडवांस वर्जन लेकर आऊंगी. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.